हाँ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप ये जो महामारी चल रही है COVID-19 कोरोना वायरस, इसके बारे में क्या जानते हो? मतलब ये कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी बहुत बड़ी महामारी है। हाँ जी। इसमें ना बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है इससे। इसमें इसके बचाव के लिए हमें हाथ धोते रहे बार बार, 20-20 मिनट में साबुन से सैनिटाइज करते रहे, मास्क लगा कर रखे, बाहर जाए तो सुरक्षित तरीके से जाए, दूर से दूरी बनाए रखे, और खुद का भी स्वयं ख्याल रखे, और खासकर बुजुर्ग आदमियों का। अच्छा, तो मतलब आप जैसे कोई मार्केट में जाते होंगे तो विशेष कार्य से जाते होंगे, वैसे पालतू तो थोड़ी जाते होंगे? नहीं नहीं विशेष कार्य से जाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे अभी जैसे ही बरसात होगी उसके बाद सोयाबीन की बुआई करोगे? हाँ जी हाँ जी सोयाबीन। तो आप मतलब सोयाबीन की फसल कैसे करते हैं और क्या क्या दवाएं यूज करते हो, कुछ बता सकते हो हमें? हम फसल तो देखो सोयाबीन की नॉर्मल तरीके से करते हैं, बिना उपचार के तो हम बुआई कर देते हैं उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर जिसके बाद हम खरपतवार नाशी का उपयोग कर लेते हैं, जैसे चीता वीता का। अच्छा। हाँ, तो आपको मतलब यूँ जैसे कितना बीज डालते हो एक बीघे में आप? एक बीघे में 25-30 किलो डाल देते हैं पर बीघे। तो एक हेक्टर का कितना हो गया लगभग? एक हेक्टर का देख लो आप, 180 किलो के आसपास हो गया। तो 180 किलो आप बहुत ज़्यादा डालते हो, पहली बात तो ये है। आप एक हेक्टर में बीज डाला करो 100 से 120 किलो। हाँ, तक उसको जो आप 180 डाल रहे हो ना, अगर आप 100 से 120 किलो को भी पर हेक्टर में स्टप से, हमारी एक दवा आती स्टप के नाम से क्या, उसको 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप उपचार करते हो तो आपके एक हेक्टर में 100 से 120 किलो सोयाबीन बहुत है। स्टप से? हाँ, स्टप दवा आती है हमारी पाउडर फॉर्म में, तो उसे 3 ग्राम पर बीघे के हिसाब से, ये 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप बीज उपचार कर लिया करो। अच्छा, उसके बाद जैसे ही बारिश हुई आपने सोइंग कर दी बीज उपचार करके स्टप से, और जैसे ही उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है सोयाबीन में अपने खरपतवार की। खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या आती है अपने, और खरपतवार भी मेन देखो अपन ऐसा कर लेते हैं बहुत सी बार, तो सक्री पत्ती का तो सोया खरपतवार होता है, और अपन इमीजा डाल देते हैं जो आप चीता वगैरह बोल रहे हो तो वो डाल देते हैं, तो उससे सकड़ी पत्ती का वो कहाँ से मरेगा कचरा उससे? या तो सबसे पहले यह काम है अपने को सही कचरे की मतलब खरपतवार की सही पहचान करना। हाँ, अब जैसे चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो उसके लिए अपना एक प्रोडक्ट आता है चीता। अच्छा। जो एक हेक्टर में 1 लीटर डलता है। हाँ। और जैसे सकड़ी पत्ती का है तो उसके लिए अपना प्रोडक्ट आता है खलीसी। अच्छा। वो भी एक हेक्टर में 1 लीटर डलती है। उसके बाद अपने खेतों में आपने देखा होगा बोकनिया नाम का कोई खरपतवार है, आता है ना, उसके लिए हम एक छोटी सी डिब्बी देते हैं 15 ग्राम की बायोक्लोर के नाम से। अगर आप इन तीनों को बढ़िया मिक्स करके स्प्रे करते हो जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती का हो, अच्छी बारिश हो रखी हो, तो आपके लगभग चौड़ी सकड़ी और बोकनिया तीनों प्रकार के खरपतवार नाशक कैसे ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत से किसान क्या करते हैं जैसे खरपतवार का स्प्रे 25 से 30 दिन बाद करते हैं, तो वो स्टेज में क्या है 5 से 6 पत्ती का खरपतवार हो जाता है, तो इस कारण से वो खरपतवार मतलब जड़ से नष्ट नहीं होता, तो फिर वो किसान आके बोलता है भाई हमारे तो खरपतवार गया नहीं। तो वो क्या है मतलब सही पहचान करना, सही समय पर दवा का उपयोग करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और इसके बाद आते हैं अपने जैसे 25 से 35-40 दिन की स्टेज पे गर्डल बीटल आती है, जो तने में स्टेम में मिली अंदर होती है, वो सोयाबीन के तने में, उसको अपन गर्डल बीटल बोलते हैं। तो इसके लिए अपने पास एक परमिट 99 के नाम से दवा आती है, आप इस परमिट 99 के साथ एक आसरा नामक सिलिकॉन बेस सुपर स्प्रेडर आता है, इसको आप इसको साथ में डालोगे ना तो वो जो गर्डल बीटल है ना वो जल्दी फास्ट मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो सिलिकॉन बेस सुपर स्प्रेडर होता है ना वो दवा को तने के अंदर भेज देगा, जिससे अपनी गर्डल बीटल जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। और जैसे 40 से 45 50
40 दिन के बाद फूल आना स्टार्ट हो जाता है अपने सोयाबीन की फसल में, ठीक है। और उसी टाइम पे अपने इसमें सोयाबीन में सेम लूपर वगैरह हिलियोतिस वगैरह ऐसी इल्लियाँ भी आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके लिए हम सेम लूपर और जो ये अपने हिलियोतिस इल्ली है इसके लिए अपने पास एक्सपर्ट नाम की दवा है, हिंदोरा नाम की दवा है। इन दोनों में से एक दवा का स्प्रे करो और इसके साथ ही फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने पास एक बहुत ही बढ़िया 24 कैरेट नाम से एक दवा आती है जो अपने फूलों की संख्या भी बढ़ाती है, दाने में अच्छी चमक लाती है, क्वालिटी बढ़िया बनाती है क्या, और मंडी भाव में भी बढ़िया बिकती है। ये 24 कैरेट नाम की दवा आप एक हेक्टर में एक लीटर डाल दो। और जो ये इल्ली के लिए मैंने बताई ही लेतीस और सेमी लूपर के लिए आप है ना एक्सपर्ट 250 ग्राम बीघे का 250 एक हेक्टर के लिए 250 ग्राम और हिंदोरा 700 ml एक हेक्टर के लिए। अच्छा। तो एक हेक्टर में एक्सपर्ट तो हो गया 250 ग्राम और 24 कैरेट हो गया एक लीटर, इन दोनों का आप स्प्रे कर दो तो आपकी सेमी लूपर भी ख़त्म हो जाएगी, लेतीस ख़त्म हो जाएगी और फूल बढ़िया आएंगे, क्वालिटी बढ़िया बनेगी सोयाबीन। इसके बाद आती है अपने 55-60-70 दिन के स्टेज पे एक आती है टोबेगो कैटरपिलर। अच्छा। हाँ वो बहुत मतलब घातक अटैक करती है। एक समय ऐसा हुआ था इतनी इल्ली आ गई थी तो रोडों पे इल्लियाँ हो गई थी एक टाइम पे। तो उसके लिए भी अपने पास हिंदोरा नाम की दवा है तो उसका 700 ml पर हेक्टर पे आप स्प्रे करो, वो अच्छी मतलब बढ़िया रिजल्ट है उसका इसके कैटरपिलर के। अच्छा। हाँ तो इस बार आप जैसा मैंने समझाया आपको वैसे खेती करोगे तो आपको मतलब 1 से 2 क्विंटल की उपज ज़्यादा पैदावार आएगी। देखना आप अभी क्या पैदावार आती है नॉर्मल आपके? अभी नॉर्मल आती है 2 से 2.5 क्विंटल। 2 से 2.5 अगर मैं जैसा मैंने बताया वैसे आप करोगे 4 से 5 क्विंटल आपकी कहीं भी पैदावार नहीं गई। अच्छा। हाँ जी ठीक है। ठीक है नमस्कार।